उधर फेंकने मत, तू अपने ऊपर फेंक लेता हूँ, हाथ मत फेंकने इधर। वो फंस गया था। देखो दोस्तों, ये उड़ने के लिए तैयार है। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आप सभी का यार को यार देव पवार। स्वागत है मेरे इस नए वाले व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली का पावन पर्व है, तो दिन काफी शुभ है। मैं क्या काम कर रहा हूं, सबसे पहले जो अपनी कार गंदी है, क्योंकि अभी हमने लगातार लगभग 7 दिन शूट किया, कार बहुत ही बुरी तरीके से गंदी हो चुकी है। मतलब इतने बुरे तरीके से कि मुझे टीम के लोग बोलते हैं, भैया एक काम करते हैं, हम धो लेते हैं अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा। भाई टाइम तो मिल वैसे भी नहीं पाता है मुझे। तो चलो सुबह सुबह जो है, सबसे पहले अपन जाते हैं कार वार धो लेते हैं। तो कार धोने से पहले उसमें चाहिए हमें शैम्पू। तो शैम्पू के लिए हम उसी कार से चलते हैं, कहां पहले बस्ती की, हमारे गांव की दुकान जाकर शैम्पू लेके आते हैं। उसके बाद में जाते हैं कहां, फॉर्म पे। बड़ा फॉर्म आपने देखा हुआ है मेरा, तो उस फॉर्म पे अपना क्या बोर है, वहां पे इजीली हम लोग चालू करके आराम से धो लेंगे कार को। तो आज आप मेरे साथ चलेंगे कार धोने के लिए, हम सब मिलकर कार को घसेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, तो चलिए मैं कार घसूंगा, मैं कार को धोऊंगा, और उसके बाद शाम तक पूरी आज हम दीपावली में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मैं खरीदी करने जाने वाला हूँ। पैसे वैसे भी नहीं मेरे पास में, लेकिन फिर भी कोशिश करें खरीदी करने की। तो अगर मैं जा रहा हूँ कहीं भी, तो शाम तक रात तक का कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसमें आपको पूरा दिखा पाऊँ। चलो बने रहो मेरे साथ इस व्लॉग में, चलते हैं पहले कार धोने के लिए। क्या ले रहे, हैप्पी दिवाली बेटा, चल तेरे को धोता हूँ मैं आज। दोस्तों अपनी कार कितनी गंदी हुई है, सामने देखो कांच पूरा गंदा है, ये देखो ये कैसी गंदी हुई है बेचारी कार अपनी, पीछे देखो कितनी गंदी हुई है ना, ये बहुत गंदी हो चुकी, मतलब नेक्स्ट लेवल गंदी है ये। चलो खैर हम कार धुल लेते हैं। कार के अंदर देखो ये नोट गिरे हैं, देखो ऐसे पैसे रहते हैं गिरे हुए दोस्तों, पैसा ही पैसा है। दोस्तों ये वही दुकान है जहाँ से मुझे शैम्पू लेना है, अपने हाथ में शैम्पू। चलो अब चलते हैं धोने के लिए। आज वैसे मैं अकेला हूँ गाड़ी धोने के लिए, तो होता क्या है कि नॉर्मली जो व्लॉग बनाने के लिए सामने का इंसान होना चाहिए, लेकिन अभी अपने पास में ऐसा कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम अकेले काफी हैं आपको दिखाने के लिए। पहुंच चुके हम लोग वहां पर जहां हमारी कार को हमें धुलना है। देख सकते हैं आप अपनी कार वहां पर खड़ी है, और ये देखो अपने घर की जो मशीन है अभी ये जो बन रही है, अभी इसका पता नहीं क्या होगा, मोनू बनवा रहा है जो छोटा भाई है मेरा, और ये हमारी कमांडर है, इसने इसको पेंट किया, इसको भी मार दिया, पूरी कमांडर बर्बाद कर दिया। और देखो ये अपनी वही लोकेशन जो आपने पहले देखा था, अभी तो बहुत गंदी हो चुकी है। कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले अपनी इस कार को धो लेते हैं, क्योंकि इसको धोना बहुत जरूरी है। चलो शुरुआत करते हैं, क्या करना है अभी। देखो मैंने ये अपना ये बकेट रेडी कर लिया, बाजू में एक और है जिसमें मैं शैम्पू घोलूंगा। मैंने शैम्पू लेके आ चुका हूँ, 10 शैम्पू मेरे पास रखी हुई हैं, मैं क्लिनिक से धोता हूँ, शायद क्लिनिक ही है शायद। चलो धोते हैं। दोस्तों नया वाला तरीका अपना है, अपन ने सीधे ऊपर चालू कर दो, इधर पूरा पोछा मारते रहो, बाकी कहीं कहीं पानी नहीं आ रहा है यार। एक काम करो, इसको अब ऐसा करेंगे तो इधर पानी भी आएगा। नेश, देख सकते हैं आप लोग अपनी गाड़ी धो के हो चुकी है। दोस्तों देखो ये जितना मुझसे हो पाया मैंने उसको कर दिया हूँ, अब पता नहीं इसके आगे क्या हो पाता, क्योंकि नीचे भी बहुत सारा गंदा था। देखो अभी आप इधर भी चेक कर लो भाई साहब, एकदम मस्त रखी है, झमाझम। अब लग रहा है कि भाई नैनो जो है वाकई में टीम छोरे बरघाटी का एक हिस्सा है, जैसे कि वीडियो हमारे क्लीन आते हैं वैसे हमारे नैनो भी आज क्लीन हो चुकी है। और ये जो अंदर मैंने पूरा क्लीन कर चुका हूँ, अब अंदर के जो रहते ना वो नीचे वाले मेट, तो देखो पूरे धो के मैंने वहां पर रख दिया हूं। अब उसको डालता हूं पहले अंदर, उसके बाद मैं जाता हूं। इसको मैंने धो लिया, लेकिन अब क्या मुझे अपने आप को भी फ्रेश करना है, तो नहा धो कर लेता हूं मैं। उसके बाद मैंने इसको फोन लगाया हुआ मिस्त्री को, ये मिस्त्री आके इसको कस देगा। मैंने कहा भाई पहले इसको तो कस दे यार, सब पूरे से मतलब वो क्या बोलता है, अस्थिर पंजर सब बाहर रखे हुए हैं, कुछ हो जाएगा दिक्कत बन जाएगी मेरे जान। तो फिर वो आएगा भाई बेचारा, आज बोल रहा भाई मैं 1 घंटे के लिए आ जाऊंगा, कस दूंगा, अब देखते हैं क्या हो पाता है। तो चलो पहले अंदर डाल लेते हैं मेट वगैरह सारा, उसके बाद निकलते हैं अपने घर के लिए। तो दोस्तों मैं लगभग आपसे अब 3 से 4 घंटे बाद आपको इस व्लॉग में मैं दिख रहा हूँ, बाकी मैं आपको तुरंत दिख गया ऐसी बात अलग है, लेकिन आपको बता दूं कि मैं सुबह मैंने कार धोया, उसके बाद में क्या काम किया, मैंने नहाया धोया, खाना खाया, उसके बाद में भाई जो नींद आई और मैं फिर सो गया शानदार 2 घंटे की नींद मारा, क्योंकि आता मैं 8 दिन से लगातार अपने कामों कर रहा था मैं, तो मुझे नींद बराबर प्रॉपरली हो नहीं पा रही थी, तो मैं सो गया था आज। ये जो जैकेट है मतलब जो जर्किन है मेरी, आप जिसको देख के समझ सकते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है, मुझे जाना है। तो अभी बाहर ठंड थोड़ी सी क्या बढ़ गई है, तो मैं ठंड से थोड़ा सा, मैं ठंड का बहुत कमजोर हूँ भाई, मैं ठंड बहुत परेशान करती है, इसलिए काम करता हूँ, पूरी व्यवस्थाओं के साथ में निकलता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अब, पटाखे खरीदना है मुझे, अगर मन किया तो खरीद लूंगा वरना मोनू को भेज दूंगा, मुझे फिर वो क्या कहते हैं दिए खरीदना है, मन किया तो खरीदूंगा वरना छोटे भाई को भेज दूंगा, और मुझे मिठाई खरीदना है, मन किया तो खरीदूंगा वरना मैं छोटे भाई को भेज दूंगा, मुझे बहुत कुछ लेना है, मन किया तो लूंगा वरना मैं छोटे भाई को भेज दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा रूम और दिए जलाऊंगा वहां पे जाके। तो चलो चुन्नी भाई मैंने फोन कर दिया हूं, अब देखता हूं जितना मन करेगा, तो वरना मोनू को बोल दूंगा भाई देख तू देख ले अपने हिसाब से यार। तो चलो आज दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, कम ऑन लेट्स गो। हाय गाइस,
हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे साथ हैं हमारे चुन्नी भैया। और कैसे भैया? बहुत अच्छा, दिवाली मना रहे हैं, बहुत अच्छी दिवाली जाने वाली है, जा रही है। क्या बात है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। हाय गाइस, हाय गाइस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मिट्टी के दिए लेने, कपास लेंगे और हम लोग तेल लेंगे, तेल लेंगे और फिर पटाखे भी लेंगे, सब लेंगे, सब लेंगे। तो बने रहो मेरे साथ में, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और देखो मेरा छोटा भाई जो देखो यहाँ पे, वो देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, पूजा पाठ कर रहा है वो अंदर ही दुकान है। तो अपनी क्या है, वो पवार दूध डेयरी अपनी वाली को पूजा कर रहा है, वो उसका डिपार्टमेंट है, अपना नहीं है। वो गेतास दिख रहा है, वो देखो उधर गेतास का केंद्र है। चलो खेल भी रहा है वाले, और ये वाले 20 के 12। नहीं अपन एक काम करते हैं, अपन रख लेते 6 ठो, ज्यादा तो जलाना है अपने को। एक तो ये नहीं, निमरा भी अच्छे हैं, ये वाले दो, एक से रखो ना। दोस्तों हमारे बहुत पुराने बड़े भैया हमारे, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, लगभग 500 साल हो गए, 5 साल तो हो गए, 5 महीने लगभग हो गए। तो आज मुलाकात हो रही भैया से, और देखो हमको यहाँ पे मिल गए ये मिट्टी के दिए वगैरह, और निम्मा मिल गए। कैसे निम्मा राव? बढ़िया, ये वाले दिए अच्छे रहेंगे, कलर छह। ये अपने चैन काका जी, मानेगा वाले, जयराम जी की जी। किसी को भी आए, तुम दो दो क्यों रख रहे हो? कितने रखोगे? अरे एक से यही चाहिए मेरे को, पूरे 6। हाँ पूरे 100 देना जी। हाँ भाई देखो समझ में नहीं आ रहा है, मैं पटाखे की दुकान में आ चुका हूँ, इतनी दुकान है, चुन्नी भैया बोल रहे हैं वहाँ चलो, निम्मारा बोल रहा है उधर चलो, और मैं बोल रहा हूँ जिसको मेरे को जहाँ जाना है मैं ढूंढ रहा हूँ, तू दिख भी नहीं रहा है वो। और अगर मान लो अपन यहाँ पे किसी एक के यहाँ जाएंगे, बुरा मान जाएगा, सब हमारे दोस्त लोग हैं, व्लॉग बनेगा और सब भाई अपने हैं। अगर जो भाई देख रहा हो जिसने पटाखे दुकान लगाया हो बरगाट में, तो बुरा मत मानना कि मैं क्या है, कहीं भी जाके मेरे को वैसे भी क्या है, 100-200 को लेना चाहिए बस भाई, इसके आपके पास आया है वो भैया, इधर जला उधर भगता है ऊपर, पूरे पैसे गुड़ू क्यों नहीं मरा, पैसे भी नहीं हमारे पास, सांसद चुनाव लड़ेंगे ना भैया, सांसद चुनाव लड़ना ये जा काम है। तो देखो ये पूरा बाजार सजा हुआ है, पूरे पटाखों का बाजार है, देखो ये एकदम बहुत बड़ा बाजार है यार दोस्त, अब कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा। चुनाव जो हमने किया है वो तुरकर पटाखा सेंटर बरघाट, जो कि मेरे मामा जी की दुकान है। तो मैंने सोचा कि चलो यार मामा जी के यहाँ पे, क्योंकि मैं हर हमेशा जो है मैं यहीं पे आता हूँ, बट मेरे को मिल नहीं पा रही थी, तो अब मिल गई। हमारे चुन्नी बहन ने जो चुनाव करना भी चालू कर दिए, देखना मामला फंसने नहीं चाहिए। तो दोस्तों क्या है कि मैं ज़्यादा महंगे लेता नहीं, लगभग 500 समथिंग का मेरा बजट है, क्योंकि मैं ज़्यादा लूंगा नहीं, क्योंकि क्या मुझे फोड़ना पसंद नहीं है। एक बार क्या कान के पास फूट गया था, मतलब कान मतलब ये कि मैं रस्सी में फोड़ रहा था और वो एकदम पास से फूट गया, मेरे कान सुन पड़ गया था, तो मैं उस दिन से बहुत डरता हूँ। और ये सब चीज़ें क्या है, पैसे वेस्टेज वाली चीज़ें, लो थोड़ा कम लो, बाकी मीठा लेके जाओ ना भाई, घर में सब लोग मिलके खाएंगे यार, समझ रहे मेरी बात को? बाकी पता नहीं कितने लोग मेरे सोच से सहमत हैं, लेकिन मैं तो भाई ऐसी सोचता हूँ। चलो मैंने 700 रुपए के पटाखे बुक किए, देखो ये वाले वाले सब मिला के बताए भैया, अब भाई वो 700 रुपए हवा उड़ाने के लिए, और देखो मेरे लगभग दोस्तों लगभग मेरा भी बिल बन गया 900 रुपए करीब का, हालांकि झूठ है, 500 का होगा, बना भी है इसको, वाला कर दो बड़ा वाला मेरे लिए भी, डब्बा ही करो, मजा नहीं आएगा। दोस्तों मैं भी क्या बड़ा अनारदाना कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि अनारदाने से ही मजा है, दिवाली का सही मजा उसी पे, ताकि व्लॉग में आपको दिखा भी पाऊंगा मैं। हैप्पी दिवाली सर। सर हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को, ऐसी बनाते रहो आप। अब हम ऊपर जाके पूजा करते हैं, फिर आपको चिरौंजी लाके देते हैं हम। भैया जो है अपने वो बना रहे हैं बत्ती, और अपने भैया तेल डालेंगे उसमें, और मैं लगाऊंगा उसमें क्या माचिस। और देखो हमारी जो है माँ लक्ष्मी माता यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं, भगवान श्री गणेश है, सरस्वती मैया है, अब हमें पूजा पाठ करेंगे। लक्ष्मी मैया की जय। क्या दिखने में अजीब है ना। हाँ हाँ, निम्मा राव जो है पूजा कर रहे हैं, और अभी हर कमरे में एक दीपक हो गया। हाँ हाँ तो वहीं पे है साइड में, चाहे वो भैया जला रहे हैं छुरछुरी, और ये दो बच्चे तुम भी जला रहे हो, क्या जला रहे भाई हैं? जलाओ छुरछुरी। हैप्पी दिवाली,
दूसरी आ गई। हैप्पी दिवाली। दोस्तों हमारा जो यहाँ पे आई नंटी आप भी रह जाइए। अब एक अनारदान निमर आगरा दूर कहाँ से दूर? कोई दिक्कत नहीं, मामला नहीं फंस सकता। हैप्पी दिवाली। अरे कैसा हुआ? अरे हो गया भैया, इतना ही बसता है यार, धोखा हो गया अपने साथ यार। दोस्तों एक और ट्राई कर रहे हैं, शायद ये थोड़ा लंबा चल जाए, ऐसी उम्मीद है हमको। कंटी जी एक धोखा दे दिया हमको, तो अब इसको देखते हैं क्या होता है। हैप्पी दिवाली। वाह ये चला रहा है कि ये भी मजा नहीं आया। तो केले बच गए थे खरीदने के, तो हमने क्या, हमारे भाई की दुकान है कन्याशाला के सामने, क्या नाम है, विनय भाई की दुकान है, हमने वहां से जो है केले रख लिए, बाकी मीठा हो चुका है। अब निम्मा राव भाई अपने घर जाएंगे और हम अपने घर जाएंगे। दुकान में पूजा कर लिया मैंने, अब तो रूम पे भी पूजा कर लिया, अब बारी अपने घर की। आप चल भी को हैप्पी दिवाली। आपको भैया हमारी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों देखो मैंने लेके आ गया सब सामान, देखो ढेर सारी मिठाई भी है, और जर्किन का जो काम है वो पड़ा ही नहीं मुझे, क्योंकि आप समझ रहे ठंड लगनी रही इस बार। और देखो ये होती जो हम बोलते हैं आपको गोवर्धन बन गई, ये उधर डोकरी सबसे मिलवाता हूँ, डोकरी इनसे भी रुक जाओ दो मिनट है। बहुत लंबी चलती चक्री वाली। अरे नहीं बहुत लंबी चलती है, स्पीड घूम नहीं रही हो। अरे लफड़ा है यार, फंस गई वो यार। अरे उसको जगह सही नहीं है, उसका मूड खराब हो तो फट जाएगी अभी उसने। अरे वो परेशान हो गई सुने। अरे बेकार हो जाएगी रे, नहीं चलेगी वो रे। वाह अरे वहाँ भी गई वो, सुने उसका पिकअप ही नहीं बनता यार, अंदर उसका मूड खराब हो रहा, भागी हो देखना आए भाई कहीं भी देखना। भाग जा। ये देखो इन्हें जलाई, अब देख कितना लंबा चलता है। अरे पुछ से जा रहे हैं यार, इतना महंगा लाया हूँ मैंने। तो वो जला रहा है पटाखा बड़ा वाला है, ऊपर जाके फूटेगा ये, देखते हैं कितने ऊपर जा रहा है। हटना रे, इतना ही था क्या, इतना ही था क्या? अबे मम्मी जो पूजा कर रही है गोवर्धन महाराज जी की, तो एक साथ जल रहे हैं दोस्तों दोनों फुस्सी वाले। एकदम फुस्सी फुस्सी टाइप जल रहे हैं वो। अरे सिटकाय की आवाज है इसकी यार, पिछले वर्ष के पटाखे जी हमें लग रहे हैं। फूटेगा ये वाला, फूटा तो ठीक है, तो पिछले वर्ष का समझ लेना। ये आवाज आई थोड़ी सी आई, भाग बुरिया भाग 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 भाग। उधर फेंकने वाला तो तू अपने ऊपर फेंक लेता, वहां तो मत फेंकने इधर। वो फंस गया था। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि ये जल जाएगा, जल गया। हैप्पी दिवाली। देखो दोस्तों ये उड़ने के लिए तैयार है। पापा नीचे हाथ रख लो, पापा वो कपूर नीचे गिर जाएगा तो लग जाएगा, मत करो। कामयाबी मिलेगी का।
ऐसे नहीं मिलेगी। नहीं 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 यार सच में जा रहा है तो यार अरे तो गजब भाग रहा है यार ये कहाँ गिरेगा लेकिन ये तो इस तरह से रही भाई अपनी दिवाली। आप लोग की दिवाली कैसी रही प्लीज मुझे कमेंट कर देना। इसका बेस्ट पार्ट क्या था, ऐसा कोई पार्ट अगर आपको लगता है कि भाई ये मूवमेंट बहुत बेस्ट मूवमेंट था तो मुझे उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को। और हाँ, 1 नवंबर का अपना नया वीडियो आएगा, बहुत मस्त वीडियो आना है। प्लीज बनवारी की कॉमेडी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और मेरा जो FB पेज है उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। तो प्लीज मिलते हैं बहुत जल्द नए वाले व्लॉग के साथ, आज कल या परसों नहीं लेंगे बरसों। तब तक के लिए आप सभी को जय माता की, जय हिंद।